हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे बिना किसी देरी के क्लास 6th की इंग्लिश की वर्कशीट, जो कि है 9 नवंबर की वर्कशीट। मंडे की वर्कशीट है ये, और ये है वर्कशीट नंबर 13। तो बहुत ही ईजी वर्कशीट है और आप बहुत ही आसानी से इसको कर लोगे। तो सीधा के सीधा हम क्या करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, एंड तक देखना, जल्दी आपको आंसर मिल जाएंगे। फटाफट हो जाएगा आपका, 5 मिनट्स में हो जाएगा। देखिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं पहली बार में, ठीक है। सो फर्स्ट जो है हमारे ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, तो देखो यहाँ पे एक लड़की बनी हुई है जो कि ज़्यादा बर्गर खाती है, मोमोज खाती है, तो वो हो गई है मोटी। और जो दूसरी वाली है ये खाती है सब्जी रोटी, तो ये है पतली। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है फैट, और फैट का ऑपोजिट क्या होता है, क्या होता है फैट का ऑपोजिट, फैट का ऑपोजिट होता है थिन, ठीक है। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो नीचे से भी कर सकते हो। एक मिनट, आप सही है, अब दिखाई देगा आपको। तो जो पहला है ना, ये वाला, इसमें मोमोज खा खा के मोटी हो गई है लड़की, है ना, और ये रोटी सब्जी खाने वाली है, तो क्या आएगा इसके अंदर, तो इसमें आएगा फैट एंड थिन, तो मैं इस पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ लिखना है ना। दूसरा क्या है, ये तो है हमारी बास्केटबॉल जो कि है बड़ी, ये है हमारी टेनिस वाली बॉल जो कि है छोटी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे बिग और स्मॉल, ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं हमको, और वो कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। अच्छा, बी लिखना चाहिए था, सॉरी, मेरे को ए बी सी है ना। अबे हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, दिन हो रहा है, या चाँद निकला हुआ है, या रात हो रही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डे एंड नाइट, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ सी, ये लिखा है ना सी, तो ये आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है, डे और यहाँ पे नाइट, NIGHT, इजी है ना, बस बढ़िया। अब क्या है, देखो ये जो है ना, ये गाड़ी है गंदी, डर्टी, और ये गाड़ी दिख रही है चमचमाती हुई, साफ, तो हम क्या करेंगे, डर्टी एंड क्लीन। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डर्टी और दूसरा आ जाएगा क्लीन, ठीक है। एन, अब आते हैं ई वाले पे, सॉरी थोड़ा इधर हो गया, छोटा कर देते हैं इसको, CLEAN। अब देखो, एक दरवाज़ा है बंद, दूसरा है खुला हुआ, तो ऑपोजिट वर्ड हमारा क्या होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ई, तो ये एक हमारा हो गया क्लोज, दूसरा हो गया हमारा ओपन, समझे। अब देखो, यहाँ गिर रही है बर्फ़, यानी यह है शिमला, और यहाँ पड़ रही है गर्मी, तो यह है राजस्थान, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कोल्ड और यहाँ होगा हॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पॉज कर लेना इस वीडियो को और आराम से नोट डाउन कर लेना, और एक बात और, मोमोज मत खाओ ज़्यादा, नहीं फट जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ चुके हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, मैच वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, मिलान करना है हमको यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड से। तो ये है, पहला है हमारा लव, प्यार, तो प्यार का उल्टा क्या होता है, नफ़रत, तो वो है हमारी हेट। कलर चेंज करते हैं, आप मज़ा नहीं आ रहा है ना, चलो रेड कलर ले लिया। अब गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, तो गुड का क्या हो जाएगा, बैड। सिट मतलब बैठो, स्टैंड खड़े हो जाओ, डार्क, डार्क का क्या हो जाएगा, लाइट। हार्ड यानी सख्त, इसका हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, अब भी खोल देंगे, बस रुक जाओ एक मिनट, अभी खोलते हैं, अभी एक मिनट में खुल जाएगा। ये कुछ आ गया है हमारे सामने, अरे हट जा भाई, क्या नौटंकी चल रही है, सॉरी हट गया, लोगों को दोबारा करना पड़ेगा, क्या चल रहा है, आ गया। हार्ड, तो हार्ड का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, क्या हो जाएगा हार्ड का, हार्ट का हमारा हो जाएगा सॉफ्ट। आखिरी में बचा फास्ट, तो उसका तो आप कर ही लोगे, ये हम पहुंच गए कानपुर से कलकत्ता, ठीक है, फास्ट का हो जाएगा स्लो। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ
फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंस। अब इस बॉक्स में से हमको ऑपोजिट वर्ड्स क्या करने हैं, यहाँ लिखने हैं, और किसके ऑपोजिट लिखने हैं, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है इसके ऑपोजिट लिखने हैं। द बॉक्स इज लाइट, ये बॉक्स बहुत हल्का है, तो लाइट का उल्टा क्या होगा, हैवी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, द कॉफ़ी इज़ टू कोल्ड, कॉफ़ी तो बहुत ठंडी है भाई, ठंडी कॉफ़ी कौन पिएगा, कोई बात नहीं कोल्ड कॉफ़ी हो जाएगी। तो कोल्ड का उल्टा क्या होता है, कोल्ड का उल्टा होता है हॉट। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह भी है, HOT ये लिखा हुआ है, देखो ये और लिखना है आपको। योर आंसर इज़ रॉन्ग, तुम्हारा आंसर तो रॉन्ग है, तुम्हें जीरो मिलेगा, तो रॉन्ग का उल्टा क्या होगा, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, RIGHT, राइट, ये R है। कोई नहीं, आप मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, आप खुद ही लिख लेना। प्लीज़ ओपन द डोर, तो ओपन का उल्टा क्या होगा, क्लोज, ये वाला। ठीक है, CLO ऐसे लिख लेना। दिस रूम इज़ क्वाइट डर्टी, अरे बाप रे रूम तो बहुत गंदा है, साफ़ करो भैया इसको। तो डर्टी का उल्टा क्या होगा, क्लीन, साफ सुथरा, जैसा कि आपका घर है, साफ है ना आपका घर, इसका गंदा हो कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल डू दिस वर्क ड्यूरिंग द डे, मैं दिन के टाइम काम करता हूँ, भाई सभी करते दिन के टाइम काम, तो दिन का उल्टा क्या होगा, नाइट। तो ये नाइट यहाँ आएगी। ठीक है, सो चलो हो गया हमारा। तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, उसको हम कर लेते हैं, पॉज करके आराम से कर लेना, कोई बात नहीं, पॉज करो आराम से नोट डाउन करो। आपके लिए छोटा सा मैसेज है कि भाई टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वी आर ए मास्क। अगर आप चाहते हो इस कोरोना काल में अच्छे से रहना, तो भाई साहब किसी की मत सुनो और मास्क पहनो, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, समझे, पहनोगे ना मास्क, बहुत बढ़िया।